निर्गमन। इसराइली मने मिस्र से निकल के बहुत खुश रहे हैं। ऊ अब दास नहीं रहोआ और ऊ प्रतिज्ञा के देश में जात रहे। जौन कुछ भी इसराइली मांगिन मिस्री उन्हें वह सब कुछ दैन, यहाँ तक कि सोना और चांदी और मूल्यवान सामान दैन। दूसर देश के मने परमात्मा के ऊपर विश्वास करिन और जब इसराइली मने मिस्र से निकलो तब ऊ भी उनके साथ हो गए। दिन में बादल के एक ठे विशाल खम्भा उनके आगे आगे चलो और रात के समय में यह आग के खम्भा बन गा। परमात्मा जौन की वो बादल के खम्भा और आग के खम्भा में रहे हैं हर समय उनके साथ रहे हैं और ऊ यात्रा करत के समय भर उनखर अगुवाई करिन। उन्हीं बस इतना करे का रव है कि उनके पीछे चलतीन। थोड़ी देर के बाद फिरौन और वाखर मनई अपने मन का बदल दें। ऊ इसराइलिन का फिर से अपन दास बनामा का चाहत रहे हैं। यही से ऊ इसराइलिन के पीछा करा लगे। यह परमात्मा रहे हैं जौन उनके मनन का बदल दे रहे हैं। ऊ ऐसा एकेला ने करीन कि ऊ चाहत रहे हैं कि सबको यह जान ले कि फिरौन से और मिस्रिन के सब देवतन से यहोवा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। जब इसराइली मिस्र के सेनन का आउट देखिन तो उन्हें पता चलो कि फिरौन के सेना और लाल समुद्र के बीच में ऊ फंस गए हैं। वो बहुत डरा गए और रोवामा लागे। हम मिस्र का कहे छोड़िन, हम मरा वाले हन। मूसा इसराइलिन से कहिस, डराए का बंद करा, परमात्मा आज तुम्हारे लाने लड़ी और तुम्हें बचाई। तब परमात्मा मूसा से कहिन, ई मनेन का लाल समुद्र के आगे के जाए के लाने का। तब परमात्मा व बादल के खम्बा का लई के इसराइली और मिस्री के बीच में लई के रख दें ताकि मिस्री मने इसराइलिन का न देख पावें। परमात्मा मूसा से समुद्र में अपन हाथ बढ़ाए का लाने कहिन। फिर परमात्मा हवा से समुद्र के पानी का बाएं और दाएं दो भाग करवा दें। समुद्र से होई के रास्ता बन गा। इसराइली में नहीं अपन दोनों कई पानी के दीवाल के साथ में सुख भुइयां से समुद्र होई के बढ़ गए। तब परमात्मा व रास्ता से बादल का उठा लेन कहे से कि मिस्री में नहीं इसराइलिन का बच के जात दिया खा। मिस्री उन्हीं पकड़ा के लाने उनखर पीछा करा का निर्णय लेन। ऊ समुद्र के रास्ता से इसराइलिन के पीछा करिन पर परमात्मा मिस्रिन का घबरा देन और उनखर रथन का लटका देन। ऊ चिल्लाए लगे, भगा भगा, इसराइलिन के तरफ से परमात्मा लड़ा थी। सगला इसराइली समुद्र के दूसर तरफ पहुंच गए। तब परमात्मा मूसा से कहिन कि वह फिर से पानी में हाथ बढ़ावा। जब मूसा ऐसा करिस ता पानी मिस्री सेनन में आ पड़ो और अपन समान स्थिति में होइगा। सब मिस्री सेना डूब गई। जब इसराइली देखिन कि मिस्री मर गए तो ऊ परमात्मा के ऊपर विश्वास करिन और ऊ विश्वास करिन कि मूसा परमात्मा की तरफ से भविष्यवक्ता आए। इसराइली मने एक बजे से भी खूब आनंदित रहे हैं कहे से कि परमात्मा उन्हें मरे से और दास होए से बचा ले रहे हैं और ऊ परमात्मा की आराधना करा लगे रहे हैं और वाखर आज्ञा के पालन करा के लाने स्वतंत्र हो गए रहे हैं। इसराइली अपन स्वतंत्रता के उत्सव मनामा के लाने और परमात्मा के प्रशंसा करा के लाने एक ठे गीतन का गायन कहे से कि उन्हें वह मिस्रिन के सेना से बचाए रहो। परमात्मा इसराइलिन का एक ठे त्यौहार मनामा के लाने आज्ञा दें। यह याद करे के लाने कि कैसे परमात्मा मिस्रिन का हराइन और उन्हीं दास होए से स्वतंत्र करिन। यह फसा के त्यौहार कहाइस। यमा उन्हीं यखर उत्सव मनामा के लाने एक ठे स्वस्थ मेमना का बलि करा कराओ है, वही भुंजा कराओ है और उन्हीं बिना खमीर वाली रोटी के साथ खाए कराओ है। निर्गमन अध्याय 12 से 21 से बाइबल की एक कहानी।